हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल द पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा हमेशा आपको हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। नेक्स्ट गाइज, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइज। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ESC एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, आगे चलते हैं। गाइज, दिस इज अवर अनअकैडमी प्लस टीम और अभी आपको गेट से रिलेटेड लेक्चर अंकित सर, विशाल सर और अजय सर और शंकर भीमा सर दे रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर। इनके साथ आप कनेक्टेड हो जाइए, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ राहुल शर्मा। आई हैव 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ गेट एंड ESC। दिस इज माई कोड राहुल वन वन और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी प्लस को। नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर मैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन क्यों करूं? बेटा यहाँ काफी सारे एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो यहाँ फिक्स क्लास मिलती है आपको टाइम पर, गेट और ESC के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर आपको मेंटर करते हैं। यहाँ पर क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होता है, यानी ये क्रैश कोर्स में आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। पूरा का पूरा गेट और ESC का एंटायर सिलेबस आपको अक्टूबर तक एंड हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गाइज, लेक्चर जो है बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी में, नो डाउट लेफ्ट अनसॉल्व, ठीक है। यानी आपका कोई भी डाउट है तो आप रियल टाइम में अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं, एजुकेटर आपको रियल टाइम में ही रिप्लाई करेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, तीनों फॉर्मेट पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चलता है। यानी आपको ना तो कोई जी ड्राइव कोर्स, ना पेन ड्राइव कोर्स, ना ही कोई आपको ऐप, ठीक है, चाहिए, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है ये आपका, मतलब टेक फ्रेंडली है पूरा का पूरा, ठीक। नेक्स्ट है डाउट सेशन। अगर आपको कोई भी लेक्चर में डाउट होता है तो हर फोर्थ क्लास होती है वो डाउट सेशन होता है, यानी 1, 2, 3 लेक्चर में आपको जो भी प्रॉब्लम आया वो फोर्थ क्लास या वो मैं आप उन तीनों लेक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये टेस्ट सीरीज आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाते हैं, ठीक है, और साथ के साथ आपको जो आपका एग्जाम का रियल एनवायरमेंट है वो भी आपको बताती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अनअकैडमी प्लस को तुरंत ही ज्वाइन करो आज ही। बेटा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर आपको PDF मिलेगा। हैशटैग गेट प्रेप डेली को क्या कर दो, वायरल कर दो, जिससे आपको गेट से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल का मिले और आपको जो जैस टॉपिक का रिक्वायर्ड है ये हैशटैग करने पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे वायरल कर दो बच्चों। नेक्स्ट, ज्वाइन करें हमारा फेसबुक ग्रुप, ठीक है। क्रिटिक्स चैनल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, आपके शेयर्स, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अपने यहां पर प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, डाउट भी शेयर कर सकते हैं और काफी इंटेलेक्चुअल बच्चे इस पर कनेक्टेड है। आगे चलते हैं। हमारे मिशन गेट और ESC 2021 के साथ आज ही कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो गाइज, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ पावर सिस्टम, UET और एस्टिमेशन कॉस्टिंग के। मेरी क्लास आपको 9 से 10 मिलती है, तो प्लीज गाइज ज्यादा से ज्यादा बच्चे आया करें, 20-22 बच्चे आते हैं और सबको पता है कि मैं प्रीमियर में लाइव रहता हूँ आपके साथ, ठीक है, चैट में आपके साथ रहता हूँ और वहां पर चेक भी करता रहता हूँ। काफी बच्चे आंसर सही भी देते हैं, कुछ का गलत भी हो जाता है, ठीक, तो ये तो चलता रहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है, आज देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बेटा शेयर कर दो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द वे बाय विच द कॉस्ट ऑफ जनरेशन कैन बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, रिड्यूस पावर जनरेशन टू मैच कॉस्ट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट, reduce the number of man employed in the plant, choosing equipment that is cheaper though it may not be efficient, reduce the cost of labor and fuel,
और लास्ट ऑप्शन है कि सेलेक्ट द स्टेशन एज ए रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ फ्यूल लेबर और प्रोड्यूस मिनिमम पावर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो गाइज इनमें से आपको एक वैलिड ऑप्शन चूज करना है, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, मैं आपके साथ हूं अवेलेबल, वहां पर चेक करूंगा किसने सही आंसर दिया है। तो गाइज अगर इसके अंदर देखें, अगर पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, रिड्यूस्ड पावर जनरेशन टू मैच कॉस्ट कोई मतलब नहीं बनता भाई, रिड्यूस्ड पावर करेंगे तो फिर हम लोड को कंपनसेट कैसे करेंगे। फिर यहाँ है चूजिंग द इक्विपमेंट दैट इज चीपर, चीपर होंगे तो जाहिर सी बात है एफिशिएंट नहीं होंगे, नो मैटर। पावर प्रोड्यूस मिनिमम पावर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो बिल्कुल ही सही बात नहीं है, किसी अगर मान ली पीक लोड चल रहा है और हम मिनिमम पावर दे रहे हैं तो ना तो ग्रिड उठेगी ना काम करेगा प्रॉपर, तो ये सारे पॉइंट्स बेकार हैं। और इस पॉइंट को देखें, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट, बिल्कुल सही, ये मेरी रनिंग कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके अपना सकता हूँ जिसके अंदर से नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड इन द प्लांट को रिड्यूस्ड कर सकता हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। तो आई होप काफी बच्चों ने इसका आंसर बी दिया हो। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो, H2O, D2O, हीलियम, कार्बन। तो गाइस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मॉडरेटर न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करता है काम, स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्लो डाउन का मतलब होता है कि ये हमारा प्रॉपर जरूरत होती है हमारी, ठीक है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन मतलब ये रिएक्शन को कंटिन्यूस कराने में हमारी हेल्प करते हैं, हम जो स्ट्राइक कराते हैं पर्टिकुलर यूरेनियम पर वो स्लो स्पीड के न्यूट्रॉन्स का कराते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा गाइज एक होता है H2O जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, इसी में हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप होता है जिसे कहते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, ये हाइड्रोजन की जगह लगता है तो बनता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये हैवी वाटर की तरीके से काम करता है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही इसी का हाईएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो होता है इसलिए हम इसे एज ए मॉडरेटर भी यूज करते हैं। दूसरा इसे बेटा कूलेंट की तरीके से भी यूज करते हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट कैन बी यूज एज बोथ बेस एंड पीक लोड प्लांट। गाइज अगर कोई जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो क्या है, अगर कोई स्टूडेंट पंप स्टोरेज प्लांट कहता है तो भैया वो आंसर गलत है, पंप स्टोरेज प्लांट जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पीक लोड के लिए बनते हैं, पीक लोड ही इनका राइट आंसर है। क्यों, पीक लोड के अंदर क्या होता है गाइज, पीक लोड में जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है पावर का तो पंप स्टोरेज प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जब पीक ऑफ हो जाता है तो वो जो वाटर टेल रेस में होता है वो उठ के डैम से द्वारा ऊपर चला जाता है। तो इसका एक ही आंसर है, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, ठीक है, यहां पर जो वाटर रिवर का करंट होता है उसका हम यूज करते हैं। दूसरा क्या है, एज ए बेस भी करंट है तो कंटिन्यूअसली वाटर चलता रहेगा तो बेस लोड के लिए भी मैं यूज कर सकता हूं, और इसका स्टार्टिंग टाइम जो होता है शॉर्ट होता है, यानी एकदम से ये मैक्स फुल लोड तक पहुंच सकता है विद इन द रिड्यूस टाइम, कोल्ड स्टार्टिंग का ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसका आंसर है बेटा बी, ठीक है, किसी को अगर पंप स्टोरेज लगता है तो वो सही आंसर नहीं है। आगे चलते फोर 220 kV लाइन द नंबर ऑफ डिस्क इन एन इंसुलेटर स्ट्रिंग इज अराउंड, ये तो सभी को आप सबको याद होगा और एकदम इसका आंसर आप बच्चे तुरंत लगा देंगे, ठीक है, जल्दी बताएं इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज एक जो दिमाग में सेट रहता है कि अगर मैं 220 को डिवाइड कर दूंगा 11 से तो ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है, इसे 22 आंसर आ जाएगा ऐसे, तो यहां पर कितना है राइट आंसर है 14, ठीक है, तो यहां पर जो अंडर रूट 3 से डिवाइड करके प्लस 2 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 14। चलिए आगे चलते हैं, डॉर्थी रेट टैरिफ इज अप्लाइड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर, मीडियम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, बल्क सप्लायर एंड म्युनिसिपल लोड। तो बेटा जल्दी बताएं टैरिफ पे, ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, टैरिफ मैंने आपको पूरा पढ़ाया क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम इन जनरेशन, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इसमें यूटिलाइजेशन में से डन करा दिया है। तो बेटा ये क्या होता है, ये होता है बेटा 3-part टैरिफ, तो 3-part टैरिफ में क्या होता है, एक तो होते हैं फिक्स चार्ज, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो
या मत करो, ठीक है, आपको पे करना ही करना है। ये तो सी से रिप्रेजेंट होते हैं, सॉरी। बी वाले जो होते हैं, आप कितनी पावर कंज्यूम करते हैं, और ए होता है आपका मैक्सिमम एनर्जी डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। तो ये जो थ्री पार्ट टैरिफ है बेटा, ये अपनाया जाता है जहां पर बल्क सप्लाई होती है, ठीक है। इसके लिए हम बल्क सप्लाई में यूज करते हैं हम डॉट थ्री रेट टैरिफ का, और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो भी इसी पे आता है, लेकिन उसका नाम अलग है थोड़ा, वो एबीटी मेथड है, ठीक है। वो है थ्री पार्ट टैरिफ ही, लेकिन उसमें शेड्यूल चार्ज जुड़ जाते हैं, अनशेड्यूल चार्ज, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वो हमारा कंटेस्ट नहीं है, हमें यही पढ़ना है, बल्क सप्लाईज। तो गाइज इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसफर रिएक्टेंस ऑफ लाइन इज रिड्यूस्ड बाय सीरीज कंपनसेशन, शंट कंपनसेशन, मिक्स सीरीज एंड शंट कंपनसेशन, इट कैन नॉट बी कंपनसेटेड। तो गाइज जो ट्रांसफर रिएक्टेंस होता है वो कैसे रिड्यूस करा जा सकता है, अगर मैं सीरीज कंपनसेशन का यूज करता हूं तो ट्रांसमिशन लाइन का जो ट्रांसफर रिएक्टेंस ऑफ लाइन, उसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है, सीरीज कंपनसेशन करके, ठीक है। तो ये आप याद रखें, सीरीज कंपनसेशन से ट्रांसफर रिएक्टेंस ऑफ लाइन कैन बी रिड्यूस्ड। आगे चलते हैं। कोरोना हैज डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेजेस, तो देखते हैं। पावर लॉस है, इंट्रोडक्शन विद नेबरिंग कम्युनिकेशन सर्किट, इंट्रोडक्शन द हार्मोनिक, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली थर्ड हार्मोनिक इनटू द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। तो गाइज अगर मैं देखूं यहां पर, तो पावर लॉसेस भी होंगे, जाहिर सी बात है, रेडियो इंटरफेरेंस भी करता है कोरोना, और थर्ड हार्मोनिक इंट्रोड्यूस करता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया गाइज, कौन सा हो गया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब कोरोना को खत्म करने के लिए कौन से कंडक्टर का यूज करते हैं, कमेंट में बताओ, कल ही हमने क्वेश्चन किया है, इससे आपका रिविजन भी होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following material is new is not used for the transmission and distribution of electrical power? किसका यूज नहीं करते हम, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, टंगस्टन। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, टंगस्टन। टंगस्टन का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टंगस्टन हाईली रेजिस्टिव होता है, जब हाईली रेजिस्टिव है तो आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होंगे, इसमें बहुत ज्यादा हाई होंगे, जब आई स्क्वायर आर लॉसेस ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी पुअर होगी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हम इसका कभी यूज नहीं करते, इसका आपको मेल्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना है, इट विल बी इन द रेंज ऑफ, और कभी सिंगल ऐसे करके आ जाए ये भी होता है, तो ठीक, इन्हें पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग लो पावर, द टाइप ऑफ रिले यूज्ड, थर्मोकपल, इलेक्ट्रॉनिक, बायोमेटेलिक, या बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड, या नन ऑफ द बोथ। जल्दी बताएं, लो पावर वाले इक्विपमेंट जो होते हैं उनके लिए कौन सी रिले को यूज करते हैं, गाइस, थर्मोकपल का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एंड बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। तो गाइस थर्मोकपल कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, कमेंट करके मुझे तुरंत बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं। गिवन कर रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स, तो मैं पहले आपके लिए इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स बना देता हूं, उसके बाद ही आप इसका आंसर दीजिएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक करेक्टरिस्टिक दी गई है वोल्टेज करंट, ठीक है। तो आप मेरे को बताएं वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक से ये इसकी, बताएं इसका ये कौन से वाले के लिए है, ठीक है, इनमें से कौन से डिवाइस की ये करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, जल्दी बताएं मेरे को कमेंट करके, इसका राइट आंसर है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। Which of the following material can be used
एज एन आर क्वेंचिंग मीडियम इन द एचआरसी कैपेसिटी फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, माइका, आर्गन गैस, एल्यूमिनियम या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गाइज जल्दी बताएं इसका आंसर। एचआरसी फ्यूज जो होते हैं हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा क्वेंचिंग आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द राइट आंसर, ठीक है। जो एचआरसी फ्यूज है हमारा ये होते हैं यूज अप टू ठीक है, और इसके अंदर करंट, फ्यूज करंट कितना होता है वो भी आप याद रखो, फ्यूज करंट इज 2000 एम्पीयर, ठीक है। तो इसे आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेंचिंग मीडियम क्या है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे ऐसे फिजिक्स यूज करते हैं या हम ऑयल का यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं, ऐसे इसके अंदर हम पीओपी का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। द सिंगल मूवमेंट, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट मेक SF6 ए वेरी एफिशियंट मीडियम फॉर द सर्किट ब्रेकिंग इज, तो पहला इट इज नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लेमेबल, सेकंड हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट हैज हाई ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर, बहुत बच्चे जल्दी आंसर बताओ इसका कमेंट में मेरे को क्या होगा राइट आंसर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है आपके लिए वो क्या होगा, जिन बच्चों ने भी आंसर दिया है डी, डी आंसर बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसकी हाई एफिनिटी होगी, टू एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्वेंचिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतनी ही आर्क मेरी कम हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने माइंड के अंदर आप रखिएगा, ठीक। एन आइसोलेटर इज इंस्टॉल्ड टू ऑपरेट द रिले ऑफ सर्किट ब्रेकर एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सर्किट ब्रेकर, ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, जनरली ऑन बोथ साइड ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो कहां पर हम इसे इंस्टॉल करते हैं, जल्दी बताएं इसका आंसर, ठीक है। अगर आप सर्किट ब्रेकर को देखेंगे ध्यान से, तो अगर आपने ट्रेनिंग करी होगी तो आपको पता होगा सब स्टेशन में कि कहां पर होता है सर्किट ब्रेकर के आइसोलेटर कहां इंस्टॉल होता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है, सर्किट ब्रेकर की बोथ साइड पर हम आइसोलेटर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक। हमारा आइसोलेटर इंस्टॉल होता है बोथ साइड, ठीक है। तो जो इसका आंसर है गाइस वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस, पिन टाइप, शेकल टाइप, स्ट्रेन टाइप, सस्पेंशन टाइप। तो जल्दी से आंसर बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, ये एबीसी ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया, नन। ये सारे के सारे हम यूज करते हैं टाइप ऑफ इंसुलेटर इन ओवरहेड लाइंस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सभी ने आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन ए जिसने भी दिया उसका सही आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द मेन कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। कल डिस्कस कराया मैंने आपके साथ, ट्रांसमिशन वोल्टेज, रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप, करंट कैरिंग कैपेसिटी। जल्दी बताएं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, ये आप सभी को पता है, कल ही डिस्कस करा हमने कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर 400 वोल्ट, ठीक है, आर कॉल्ड, जो लो वोल्टेज होता है 400 वोल्ट वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यहां पर राइट आंसर है गाइस, इनकी डिजाइनिंग में ध्यान दिया जाता है वोल्टेज ड्रॉप का। तो इसी के साथ आप मुझे फीडर का बता दो, फीडर की डिजाइनिंग में किस चीज का ध्यान देंगे, कमेंट करके जरूर बताना। कुछ बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, तो मैं चाहता हूं सारे के सारे दें आंसर, ठीक है, क्योंकि हमने स्टडी कर लिया तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। आगे चलते हैं। द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस ऑफ, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन आ गए हैं आपके यूटिलाइजेशन के, यूईटी के, अभी पावर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, ये यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है
कि पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस किस तरीके की हीटिंग में होगा, डायलेक्ट्रिक हीटिंग में, इंडक्शन हीटिंग में, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग में या रेजिस्टेंस हीटिंग में। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या है, डायलेक्ट्रिक हीटिंग। तो डायलेक्ट्रिक हीटिंग में ये किसके लिए यूज करते हैं, हीटिंग यूज फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है गाइज, तो आई होप आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। द कार्बन आर्क वेल्डिंग हैज द एडवांटेज ऑफ इजी कंट्रोल ऑफ मोल्टन पूल टेम्परेचर सिंपली बाय द वेयरिंग द आर्क लेंथ। सेकेंड है इजिली अडेप्टेबल टू ऑटोमेशन। थर्ड है एक्सीलेंट हीट सोर्स फॉर द ब्रेजिंग, ब्रेज वेल्डिंग, सोल्डरिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी आंसर बताएं बेटा इसका क्या होगा, आर्गन आर्क वेल्डिंग का एडवांटेजेस क्या है। तो गाइज अगर आपने ये सही से पढ़ा है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपको पढ़ाया है मैंने। ठीक, आगे चलते हैं। द ल्यूमिनस फ्लक्स इज मेजर्ड इन कैंडेला, लक्स, स्टिप या ल्यूमेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गाइस ल्यूमेंस। ल्यूमिनस फ्लक्स को किसमें नापते हैं बेटा, ल्यूमेंस में कैलकुलेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सिलिकेट इज यूज्ड इन ट्यूबलाइट गिव्स विच कलर्स। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप बताएं मुझे कमेंट करके, क्योंकि मैंने इसके लिए आपको एक टेबल करवाई है। तो ये गाइज ऐसा समझ लीजिए ये आज का आपके लिए होमवर्क हो गया, क्योंकि मैंने लैंप में एक टेबल बनवाई है पूरी की पूरी, और मुझे पता भी चल जाएगा कमेंट में किस बच्चे ने आंसर दिया है। ठीक है, और कमेंट में भी आप मुझे करके बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए आज के लिए। द वैल्यू ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एडेशन विल बी हाई व्हेन द रेल्स आर वेट, क्लीन विद सैंड, ग्रीस या स्प्रे विद ऑयल। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, क्लीन विद सैंड। अगर आपको पता होगा जो कॉफिशियंट ऑफ एडेशन था हमारा म्यू, वो इंक्रीज हो गया था ऑन सैंड सरफेस। ठीक है, ये मैंने आपको कराया है, तो कॉफिशियंट ऑफ एडेशन विल इंक्रीज विद सैंड सरफेस। आगे चलते हैं, जल्दी मुझे आंसर करके बताएं, क्योंकि चाहता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस हो जाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंट फैक्टर फॉर द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट या ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप बताइए। ठीक, ये थोड़े से घुमा के पूछ लिया गया है क्वेश्चन को, है कुछ नहीं। तो जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच द प्योरिटी ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑर कैन बी इंप्रूव्ड। ठीक है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या एनोडाइजिंग। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, रिफाइनिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स। आपको पहले भी मैंने डिस्कस कराया वहां पर कि जब भी ओर्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का, एप्लीकेशन है रिफाइनिंग के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रोड एंड पाइप्स, स्ट्रिप्स, प्लेट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है तीनों का तीनों है, हम रॉड टाइप भी यूज करते हैं, हम पाइप टाइप की अर्थिंग भी यूज करते हैं, प्लेट भी करते हैं और स्ट्रिप अर्थिंग भी हम यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है गाइज, ऑल ऑफ द दीस। आगे बढ़ते हैं। स्टील रेल पोल ऑफ हाइट 13 मीटर आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस ऑफ कितना वोल्टेज, 33 केवी, 11 केवी, 22 केवी या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है मैंने कराया है ये आपको, स्टील पोल वाला 33 केवी। ठीक है,
ठीक है, स्टील रेल पोल्स ऑफ हाइट 13 मीटर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पर्पस ऑफ 33 किलोवोल्ट। आगे बढ़ते हैं। इन प्लेस वेयर द एसिड्स एंड अल्कलाइज आर प्रेजेंट द टाइप ऑफ वायरिंग यूज्ड पीवीसी, टीआरएस, वीआईआर या वाटरप्रूफ। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपका एसिड या अल्कली टाइप का प्रेजेंट है तो हम क्या कौन सी यूज करते हैं? टीआरएस। टीआरएस किस टाइप की वायरिंग होती है मुझे जरूर बताना। और इसे क्या बोलते हैं? टफ रबड़ शीट। ठीक है, इट इज टफ रबड़, ठीक है, शीट। ठीक है, आगे चलते हैं। All the lightning fitting shall be at the height of not less than from floor 2.25 meter, 2.20 meter, 2.15 meter, 2.10 meter. तो जिसका आंसर मेरे को बताएं जल्दी कमेंट करके, क्या है इसका आंसर? तो गाइज इसका आंसर है 2.25 meter. तो बेटा lightning fitting है, और एक दिन हमने जो पढ़ा था वो GLS लैंप था। ठीक है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो 2.25 मीटर कभी आप कंफ्यूज हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। आगे चलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जल्दी आंसर करके बताएं कमेंट करके मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है अंडरग्राउंड केबल की। अब ये कौन सा IER रूल है ये भी आप मेरे को बताना प्लीज, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आप प्लीज बताएं। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया IER। बच्चे ये पर्पज सिर्फ इतना है कि अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल याद रखोगे, तो इसे प्लीज ऐसा। और यहां पर ये पीडीएफ में भी अगर आप द्वारा कभी देखेंगे तो आप जरूर कोशिश करेंगे। हाँ, ये टास्क है जो बचा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। ए सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय द आइसोलेटर व्हेन द सर्किट ब्रेकर इज नॉट ओपन, देयर इज नो करंट इन लाइन। ठीक है, द लाइन इज ऑन फुल लोड या लाइन इज एनर्जाइज्ड। तो जल्दी इसका आंसर बताएं बेटा कमेंट करके, क्या होगा बेटा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? हमारा जो आइसोलेटर होता है इट वर्क ऑन नो लोड कंडीशन। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर। तो आई होप, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। द केबल यूज फॉर अंडरग्राउंड सर्विस फ्रॉम 33 केवी टू 60 केवी आर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स, सुपर टेंशन केबल्स या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गाइस एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स। तो इसे लिख लेते हैं बेटा, आपसे लो टेंशन के लिए कोई बोलेगा तो आप सीधा जाएंगे 1000 वोल्ट। अगर कोई आपसे बोलता है हाई टेंशन के लिए तो ये कितने से कितने तक हो जाएगा गाइस? 11,000 या 11 केवी। फिर उसके बाद आप जाएंगे सुपर टेंशन आता है एक, सुपर टेंशन कहां से कहां तक हो गया मेरे साथ आप बताते भी जाओ इसलिए आपको थोड़ी बोरियत भी फील नहीं होगी। या नेक्स्ट है बेटा ईएसटी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन कहां से कहां तक? 66 केवी तक। और बेटा इसके बाद होता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन,
ये होता है प्लीज कीप दिस माइंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो बेटा कभी ना कभी किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ऐसे ही जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं इन्हें एक A4 शीट पर बनाकर अपने रूम में स्टडी टेबल के पास लगा लें, ठीक है, और एग्जाम से कुछ दिन पहले जब भी हो रिवाइज जरूर करके जाए। आगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच ए रिले ऑपरेट इज कॉल्ड, जल्दी बताओ। ये तो डेफिनेशन है डायरेक्ट वन लाइन, रेटेड वैल्यू, फ्यूजिंग वैल्यू, पिकअप वैल्यू या PSM वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो गया गाइस, जल्दी बताएं, रेटेड वैल्यू, फ्यूजिंग वैल्यू, पिकअप वैल्यू या PSM वैल्यू। तो गाइस इसका जो आंसर है बेटा वो क्या है, पिकअप वैल्यू, ठीक है, पिकअप वैल्यू इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। द टॉर्क इन शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट या प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी बताएं मेरे को कमेंट करके, ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, सोच के बताओ आराम से। देखो गाइस इसमें क्या होता है, दो फ्लक्स हैं, तो अगर ये दोनों सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो टॉर्क यहां पर जो होता है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट के होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। फॉर डोमेस्टिक वायरिंग द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड मटेरियल इज एल्यूमिनियम, कॉपर, नाइदर कॉपर नॉर एल्यूमिनियम, डी कॉपर और एल्यूमिनियम, जल्दी बताएं इसका आंसर बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो बेटा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये, इसका कंटेक्स्ट है कि डोमेस्टिक वायरिंग जो है, ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर कौन से मटेरियल को यूज करते हैं। तो गाइज याद रखना है इसका दोनों ही हम यूज कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है, आपके कॉस्ट, आपकी वायरिंग या आपका जो भी खर्चा है उसके अकॉर्डिंग है। तो कॉपर भी यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, लेकिन कभी भी कॉपर और एल्यूमिनियम को एक साथ यूज नहीं करते, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है, मतलब ज्वाइंट उनके साथ नहीं बांधते, ठीक, ऐसा क्यों नहीं करते कोई बताएगा, चलो बताना। नेक्स्ट है विच रिले इज ऑल्सो नोन एज गैस एक्चुएटेड रिले, ठीक है, तो थर्मल रिले, बुक होल्स रिले, इंडक्शन रिले, सोलेनाइड टाइप रिले, ठीक है, तो इसका आंसर बताएं जल्दी करके, इसका तो सभी आंसर बता देंगे, बुक होल्स रिले। तो जो बुक होल्स रिले होती है आपकी, ये क्या होती है, गैस एक्चुएटेड रिले, और ये क्या करती है, इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करती है ट्रांसफार्मर को। फॉर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएं इसकी पोजीशन किसके किसके बीच में लगी हुई होती है। आगे चलते हैं। इन द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर व्हाई इज कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड, क्लोज द कॉन्टेक्ट, कूलिंग द सर्किट ब्रेकर, क्वेंचिंग द आर्क या ओपनिंग द कॉन्टेक्ट, ठीक है, जल्दी बताएं कमेंट करके इसका आंसर, क्यों हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। ठीक, तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्वेंचिंग द आर्क, ठीक है, हमारा जो आर्क है उसे खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं, ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, आगे चलते हैं। एन ऑन एंड ऑफ स्विच विद ओवरलोड प्रोटेक्शन इज कॉल्ड, तो बेटा सबसे पहले तो ओवरलोड प्रोटेक्शन आपको पता होनी चाहिए कहां पर होती है, तो ये क्या हो गई, मोटर ओवरलोड सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन,
ठीक है, जब ऑन एंड ऑफ स्विच का आप यूज कर रहे हैं विद ओवरलेड प्रोटेक्शन, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, मैनुअल स्टार्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके का स्टार्टर होगा आपका, मैनुअल वाला, तो मैनुअल स्टार्टर का हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन कोरोना, जल्दी बताएं बेटा इसका आंसर क्या है। स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, कंडक्टर साइज, लेंथ कंडक्टर या लेंथ ऑफ द लाइन वोल्टेज या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जल्दी बताएं आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कौन सा इसमें से आंसर राइट है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देख लेते हैं, फैक्टर विच अफेक्ट कोरोना, तो सबसे पहला कौन सा हो गया बेटा, सप्लाई वोल्टेज, बिल्कुल। सेकंड कौन सा हो गया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आप भी मुझे बताते जाएं। तीसरा हो गया आपका रेडियस ऑफ द कंडक्टर, फोर्थ वन कौन सा हो गया आपका, फोर्थ वन आपका हो गया एयर डेंसिटी, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, एंड सिक्स वन हो गया इसका राइट आंसर, सॉरी सिक्स वन है सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर, कंडीशन ऑफ कंडक्टर। तो देखिए छह के छह पॉइंट मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस कर दिए, ये सारे के सारे अपने माइंड में आप प्लीज पुट करके रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर फ्यूज करंट हाई एज 2000 एम्प्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्यूज इज बेस्ट चॉइस, एलआरसी, एचआरसी, नाइक्रोम वायर फ्यूज या ग्लास कार्टिलेज फ्यूज, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा था। ठीक है, तो अगर जिसने भी ध्यान से सुना है वो उसका आंसर तुरंत दे देगा। ये क्वेश्चन अभी ही था, एचआरसी फ्यूज, हाई रप्चरिंग फ्यूज, तो इसमें कौन सा क्विंचिंग मीडियम यूज करते हैं, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, पीओपी। ठीक है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, CS4.5H2O, ठीक, याद रखना इसे। नेक्स्ट है हमारा, कितने अप टू यूज, अप टू कितना एम्पियर, 2000 एम्पियर को हैंडल करता है, फ्यूज करंट है इसका, और यूज्ड अप टू 2500 केवीए। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइज हमने 37 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, शायद अभी 40 या 45 मिनट होंगे, तो देखो साथ बैठ के स्टडी करने का ना ये भी एक सबसे अच्छा एडवांटेज है, कि अगर आप अकेले नहीं पढ़ सकते तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इन द केबल, डायलेक्ट्रिक लॉस इन द केबल इंसुलेशन, लॉसेज इन द कंडक्टर, लॉसेज इन द मेटालिक शीट एंड द आर्मरिंग या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर तो सभी दे दोगे जल्दी से जल्दी, मुझे पता है। ठीक है, जल्दी बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है गाइस ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डायलेक्ट्रिक लॉस, लॉसेज इन द कंडक्टर, लॉसेज इन द मेटालिक शीटिंग एंड आर्मरिंग, ठीक है, इन सभी का यूज हम करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। रिलेज कैन बी डिजाइन टू रेस्पॉन्स टू चेंज इन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपिडेंस, वोल्टेज एंड करंट, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जल्दी बताएं बेटा इसका आंसर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, ऑल ऑफ द अबव।
बेटा रेजिस्टेंस के चेंज होने पर, रिएक्टेंस के चेंज होने पर, इम्पीडेंस रिले चेंज होने पर, या वोल्टेज करंट का रेशियो चेंज होने पर, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी या टेम्परेचर चेंज होने पर हमारी रिले जो है वो हर तरीके से डिजाइन करी जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है बेटा इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। What all are included in थ्री पार्ट टैरिफ, फिक्स चार्ज, रनिंग चार्ज, सेमी फिक्स चार्ज। ठीक है, तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा थ्री पार्ट टैरिफ का। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, वो भी बताएं। डॉर्थी जो टैरिफ है वो यही है। ठीक है, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने बताया था फिक्स चार्ज भी रहते हैं, रनिंग आप कितना लोड कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पावर कंजप्शन है आपका, और सेमी फिक्स चार्जेस मतलब क्या हो गया आपका, जो आपका डिमांड है, ठीक है, वो भी एक तरीके का क्या है, एक फिक्स चार्ज है, चाहे आप लोड भी नहीं ले रहे तो आपको उस डिमांड के भी अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ऑयल इन द सर्किट ब्रेकर इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, प्रोवाइड कूलिंग ऑफ कॉन्टेक्ट, क्वेंचिंग आर्क, नन ऑफ दीज। ठीक है, जल्दी बताएं व्हाई वी यूज ऑयल इन द सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है हम किसी भी मीडियम का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्वेंचिंग ऑफ आर्क, जैसे एयर ब्लास्ट वाला हो गया, ठीक है, तो इसमें एयर यूज कर लिया हमने। ठीक है, SF6 के अंदर अभी डिस्कस करा मैंने आपसे, उसमें SF6 मीडियम हो गया, इसलिए OCB वाले में क्या हो गया आपका, ऑयल हो गया। ठीक है, VCB में हम यूज क्या करते हैं, वैक्यूम का करते हैं। तो इन सभी का पर्पज जो है गाइस वो क्या होता है, क्वेंचिंग ऑफ आर्क। तो जो भी इसका आंसर सी है, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, 41 क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, और ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ पेपर एज इंसुलेटिंग मटेरियल, हैज पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हैज लो इंसुलेशन रेजिस्टिविटी, हैज हाई कैपेसिटिव कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर बताएं बेटा मेरे को कमेंट करके क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर, जो भी बच्चा आंसर देगा इसका, हैज पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो गलत है। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं, इट हैज हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर कंटेंट एब्सॉर्ब बाय, मॉइस्चर कंटेंट एब्सॉर्ब बाय पेपर, या बच्चे इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट इन पेपर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, ये मॉइस्चर को थोड़ा एब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक होता है बेटा पेपर एज ए वर्क एज इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपने बहुत अच्छे मेरे साथ 42 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, और आज शायद तो आज तो हमने काफी हाई रेट पर सॉल्व करे हैं क्वेश्चन, मैंने थोड़ा ब्रेक नहीं लिया है, कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चन देता गया हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेटा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे। अनअकैडमी की साइट पर जाएंगे, ठीक है, स्टेप फर्स्ट प्रेस करेंगे बटन को, तीसरा सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करेंगे, चौथा सब्सक्रिप्शन कितने मंथ का लेना है आप डिसाइड करेंगे। अगर आप थर्ड ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट हो तो बच्चे आप 2 ईयर्स का लो, थर्ड ईयर में पूरा सिलेबस आराम से पढ़ लो, फोर्थ ईयर में उसे इतना रिवाइज करो कि जैसे ही फरवरी में गेट आए, फाइनल ईयर में गेट ये, ठीक है, उस पेपर को वहीं क्रैक कर दो, ठीक है, और उसके बाद अपना लाइफ में आगे बढ़ो। मेरा पॉइंट है ये, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, ठीक है। तो
अब फिर उसके बाद डिसाइड करो पीएसयू जाना है प्लेसमेंट लेना है, सब आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ बच्चों आपको, बाकी देश आजाद है। आगे चलते हैं बेटा, मेरे कोड का आप यूज कर सकते हैं राहुल 11। ठीक है, राहुल 11 कोड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक, इस कोड का जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे आप खुद देखिए आपको पे कितना हो जाएगा आपका, ये 25,000 ना पे करके आप फिर पे करेंगे जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज। आगे चलते हैं, फिर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। और दूसरी बात, इस बार तो ईएमआई बेटा डेबिट कार्ड पे भी अवेलेबल हो गया है। ठीक है, और 6 मंथ तक यहां पर कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड पर भी अवेलेबल है, डेबिट कार्ड से भी आप ईएमआई ले सकते हैं। फाइनली आप क्या करेंगे बेटा, पे करेंगे। अब दो काम आपको करने हैं आज के क्वेश्चन बेटा। सबसे पहला काम तो ये करना, दो होमवर्क दिए मैंने इसके अंदर, आपको फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में कलर बताना है और दूसरा आपको आईईआर रूल बताना है। ठीक है, और बच्चे प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करा करो ज्यादा से ज्यादा, आपके काफी सारे फ्रेंड्स हैं दोस्त हैं उन्हें आप शेयर करें, आपका सपोर्ट होना जरूरी है। सपोर्ट रहेगा तो चीजें चलेंगी, बाकी समझदार हो आप। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, थर्ड पॉइंट है गाइस कि अपना ध्यान रखो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करो ज्यादा से ज्यादा, एंड थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।